नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। कोवोवैक्स के पहले चरण में 97 लाख डोज परीक्षण में खरी हथियार के रूप में होगा इस्तेमाल। भारत में ओमिक्रॉन की संभावित तीसरी लहर के बीच बच्चों के लिए कोवैक्स को आपात मंजूरी दे दी गई है। कोवोवैक्स के सीरियल से बीते दिनों 3 बैच पास किए जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि 3 बैच में 97 लाख से अधिक डोज शामिल है। ये परीक्षण में खरी उतरी हैं। इनका कंपनी की ओर से पहले निर्यात किया जाएगा। भारत में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के साथ कोवोवैक्स को भी हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की मंजूरी के बाद केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने हरी झंडी दे दी है। ई बायोलॉजिकल लिमिटेड कंपनी के स्वदेशी कार्बोवैक्स को CDSCO से आपात मंजूरी मिली है। दोनों कंपनीज अब सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी कसौली में जांच के लिए बैच भेजेंगी। यहां से ग्रीन टिक मिलने के बाद बैच को भारतीय बाजार में उतारा जाएगा। कॉलेज नहीं आया दोस्त, क्वार्टर का कमरा खोला तो उड़ गए होश। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे एक युवक ने किराए के कमरे में फंदा लगा लिया। मामला बिलासपुर जिले के शहतलाई क्षेत्र का है। वहीं मृतक की पहचान विवेक कुमार निवासी गांव सलेहड़ा जिला कांगड़ा के तौर पर हुई। जानकारी के अनुसार विवेक कुमार परमवीर चक्र विजेता नायब सूबेदार संजय कुमार राजकीय बहुतकनीकी संस्थान कलोल से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। विवेक फाइनल ईयर का स्टूडेंट था और वो यहाँ किराए के मकान में अकेला रहता था। इस दौरान जब बीते दिन वो कॉलेज नहीं आया तो विवेक के दोस्त उससे मिलने के लिए रूम पर जा पहुंचे। उन्होंने विवेक को आवाज लगाई लेकिन अंदर से कोई जवाब न मिला। इसके बाद दोस्तों ने पंचायत प्रधान राकेश कुमार को इस बात की जानकारी दी। इस पर राकेश कुमार ने पुलिस को मामले के संबंध में सूचित किया। वहीं जब कमरे को खोला गया तो अंदर विवेक का शव पंखे से लटका मिला। विदेश से मंडी लौटी महिला व हमीरपुर के युवक में मिले डेल्टा वेरिएंट के लक्षण। हिमाचल में विदेश से लौटे यात्रियों ने अब चिंताएं बढ़ा दी हैं। ओमिक्रॉन के बाद अब बुधवार को हिमाचल में डेल्टा वेरिएंट के 2 पॉजिटिव केस सामने आए। इसमें जिला मंडी की एक 32 वर्षीय महिला और जिला हमीरपुर से एक 26 वर्षीय युवक शामिल है। इनकी ट्रेवलर हिस्ट्री एस्टोनिया और रूस की है। जिला मंडी की महिला को कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है जबकि हमीरपुर के युवक को टीका नहीं लगा है। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।